हेलो फ्रेंड्स, मैं शोक सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमेडी वीडियो पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जेनरिक और एथिकल मेडिसिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और पास ही वाले बेल के बटन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जेनरिक और एथिकल ड्रग्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जेनरिक है या एथिकल है। फ्रेंड्स, डॉक्टर के द्वारा जो दवाई लिखी जाती है वो मेडिसिंस एथिकल यानी कि ब्रांडेड कंपनी की होती है, और डॉक्टर हमेशा मेडिसिंस की कंपनी का नाम लिखता है, ना कि वो लिखता है उनके साल्ट का नाम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि अगर डॉक्टर को एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल लिखनी होगी तो वो उसकी ब्रांडेड कंपनी का नाम लिखेगा, जैसे कि जीरोडॉल पी हुई, एसिक्लो प्लस हुई, ना कि वो ऐसे लिखेगा कि हाँ एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल। वो अपनी कंपनी के साल्ट का कभी नाम नहीं लिखेगा। लेकिन बहुत से मेडिकल वाले होते हैं जो एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल नाम की किसी और कंपनी के नाम की मेडिसिंस दे देते थे, जैसे कि एस पी हुई, एस क्यू प्लस हुई, ये मेडिसिन सब्स्टिट्यूट होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर जो दवाइयाँ बदली है मेडिकल वाले ने, अगर वो बदली है तो वो तो एक तरह का सब्स्टिट्यूट हो गया, वो जेनरिक किस प्रकार हुई। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जेनरिक किस प्रकार हुई। फ्रेंड्स, जो मेडिसिंस डायरेक्ट कंपनी पर बनकर सीधे ही अगर होलसेलर के पास में आ जाती है, जो बिना टैक्स के आती है, मतलब टैक्स फ्री होती है, वो दवाई जेनरिक दवाई होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जेनरिक और एथिकल जो ब्रांडेड दवाई होती है उनके बीच में, उनकी रेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, जो जेनरिक दवाई होती है उनके पत्ते की प्रिंट रेट कम से कम 65 रुपये 70 रुपये लिखी जाती है, लेकिन वो आगे होलसेलर से सीधे 10 या 15 रुपये का पत्ता आता है। और जो एथिकल दवाई होती है उसके रेट कम से कम 50 से 60 रुपये होती है, लेकिन उसकी जो होलसेलर रेट होती है वो कम से कम 40-44 रुपये होती है। मतलब कि दुकानदार को जेनरिक पर तो कम से कम 80% मार्जिन मिलता है और एथिकल पर केवल उनको 10 या 15% मार्जिन ही मिलता है। इसलिए हमें हमेशा मेडिसिन खरीदने के बाद में उसको वापस डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूट या कोई जेनरिक मेडिसिन तो नहीं दे दी गई है। फ्रेंड्स, आपको पता हो तो सरकार ने थोड़े दिन पहले ही ये रूल्स निकाले थे कि डॉक्टर अब जेनरिक दवाएं लिखेंगे, उनके साल्ट के नाम लिखेंगे, लेकिन डॉक्टर ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसी कोई दवाई नहीं लिखी है जो जेनरिक हो या उनका साल्ट का नाम लिखा हो। डॉक्टर हमेशा वही दवाई लिखता है जो उनके कमीशन आता है। तो फ्रेंड्स, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जेनरिक और एथिकल मेडिसिन की रेट के बीच में कितना फ़र्क आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।